स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बुलेटिन में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। अगर आपके पैसे यस बैंक में है तो यह खबर आपके लिए है। यस बैंक से अब आप महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण बैंक के ग्राहक परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जूझ रहे यस बैंक के ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी रांची में कचहरी स्थित यस बैंक की स्थिति भी यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहां बैंक में अंदर भीड़ है, हालांकि कैमरा जो है वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में आप यस बैंक की बात करें तो यहां पर सुबह से ही जो है ग्राहक यहां पहुंच रहे हैं और अपने पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के कचहरी स्थित यस बैंक में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। ग्राहक अपने पैसे निकालने बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें 50,000 रुपए ही निकालने की बात बैंक द्वारा कही जा रही है, जिसके बाद ग्राहकों में काफी निराशा देखी जा रही है। क्या होगा कोई पता नहीं। उसके बाद NEFT भी नहीं हो रहा है और लाइन इतनी लंबी लगी है कि कम से कम एक आदमी को 4 घंटे लगेंगे। ट्रांसपोर्ट का है, बट क्या हुआ कि अभी हम पैसा काफी देर लाइन में लगे, पैसा विड्रॉल करने गया तो मेरे को बोल रहा है कि आपको 40 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कल शाम को 10,000 ट्रांजेक्शन किया, जबकि मैं कल 50,000 ट्रांजेक्शन किया हुआ। रांची के कचहरी स्थित यस बैंक के ज्यादातर ग्राहक अपर बाजार के व्यवसायी हैं। उनका कहना है कि अपर बाजार से सबसे नजदीकी यस बैंक ही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना खाता यस बैंक में खोला था। ऐसे में ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट तय करे, हम चाहेंगे बैंक बंद रहा, पूरा पैसों को आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए। सरकार किसी भी बैंक को डूबने नहीं देगी, लेकिन हमारा कहना है मैनेजमेंट इनका ठीक होना चाहिए। जैसे इनका पहले से 2 काउंटर है, आज इनको मालूम है कि ये लोग भारी संख्या में आएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे, तो इनको कम से कम 4-5 काउंटर करना चाहिए। यस बैंक के कई ग्राहकों का कहना है कि RBI द्वारा यस बैंक ने एक महीने में सिर्फ 50,000 निकालने की अनुमति दी है, जिसके बाद ग्राहकों को ये परेशानी हो रही है। वहीं जिन ग्राहकों को जरूरत थी वो बैंक से 50,000 रुपए की निकासी कर रहे हैं। डाउन हो गया इनका, 10-15 रुपए चल रहा है शेयर, वो भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। सबका कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकार को अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करवा देना चाहिए बजाय किसी फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाने के। यस बैंक के इस आर्थिक मंदी के कारण ग्राहकों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात यह है कि यस बैंक की ये आर्थिक मंदी कब ठीक होगी, जिससे ग्राहकों को राहत मिल सकेगी। सुबह से ही बैंक में जो है यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ के ग्राहक जो है यहाँ पर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। RBI जो है उसके गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जो है 50,000 रुपए निकालने की अनुमति यहाँ पर जो है बैंक को दी गई थी। ऐसे में ग्राहक जो है सुबह से ही बैंक में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अपने पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें जो है निराशा हाथ लग रही है। ऐसे में ग्राहकों का कहना है कि उनके पैसे कैसे निकलेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ अंकुर सिन्हा, न्यूज 11 भारत, रांची। RBI ने देश भर में यस बैंक के खातों से 50,000 तक की निकासी पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। रोक के बाद सूबे के यस बैंक की शाखाओं में खाताधारियों की भीड़ लग गई। हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि कहीं उनकी गाड़ी कमाई डूब ना जाए।